तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस पी मैथ क्लासेस में तो व्यूअर्स हम बात करने वाले हैं सीटेड रिजल्ट्स को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप सभी छात्रों को लेकर के कि सीटेड का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और जो है कि रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आ पाया और इतना देरी क्यों हो रहा है क्या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगेगा या नहीं लगेगा जो छात्र दो या तीन अंक या चार अंक या पाँच अंक से जो है कि जिनका सीटेट छूट रहा है तो उन सभी छात्रों को क्या यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो हम इन्हीं सब मुद्दों से बात करने वाले हैं हमारी जो हेड क्वार्टर से आज जो है कि सीधी बात हुई है वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि आप सभी छात्रों के सीटेड रिजल्ट को लेकर के तो आप सभी सीटेड रिजल्ट छात्रों के रिजल्ट को अगर हम लोग बात करें तो सीटेड का रिजल्ट जो है कि आप सभी छात्रों को जब तक जो है कि फाइनल आंसर की नहीं आ जाती है फाइनल आंसर की नहीं आ जाती तब तक जो है कि आप सभी छात्रों के रजल्ट जो है कि देखने को नहीं मिल पाएंगे या सी की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है तो आप सभी छात्र इंतज़ार करिए दो एक दिन में आपकी फ़ाइनल आंसर की आ जाएगी और फाइनल आंसर की आने के बाद में जो है कि आप सभी छात्रों का उसके दो तीन दिन बाद रजल्ट जो है कि आ जाएगा तो आप सभी छात्र जो है कि इंतज़ार करिए सी के कहने के अनुसार तो सी ने जिस प्रकार से कहा था तो उसके अनुसार जो है कि अट्ठाईस फरवरी को ही जो है कि रजल्ट आ जाना चाहिए था और छात्र जो है इंतजार में थे कि जो उनकी आसाम में वैकेंसी चल रही है टीचर एग्ज़ाम की टीचर की जो वैकेंसी आई हुई है आसाम के अंतर्गत तो वहाँ पे छात्र जो फार्म अप्लाई करना चाहते थे तो वे छात्र भी जो है कि इस समय निराशा में है क्योंकि अगर रेजल्ट आ गया होता सीटेट का तो वे अपने रिजल्ट्स के माध्यम से जो है कि आसाम में जो आई हुई वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते थे लेकिन यहाँ पे जो है कि सीटेड ने रिजल्ट ही नहीं जारी किया जिसके कारण जो है कि काफ़ी संख्या में छात्र जो है कि सीटेड के रिजल्ट से नाराज़ हैं क्योंकि टाइम ना मिलने के कारण वे वहाँ पर अगर एक्सटेंडेड मान लो कि अगर वहाँ पर डेट एक्सटेंड हो जाती है और सीटेड का रिजल्ट दो एक दिन के अंदर में आ जाएगा तो उसके लिए जो है कि सभी छात्र पुनः जो है कि अप्लाई कर पाएंगे नहीं तो जो है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में और अन्य स्टेट में बिहार में देखा जाए तो शिक्षक की कोई भर्ती इस समय नहीं है तो छात्र आशा लगाए थे कि आसाम की जो वैकेंसी वो हम छात्रों को सीटेट के थ्रू जो है कि देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा या नहीं होगा तो यह कन्फर्म है कि हंड्रेड परसेंट आप सभी छात्र जो है कि श्योर रहिए कि सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर जो है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लागू किया गया है इसी के कारण जो है कि आपके रिजल्ट्स में जो है कि इतना देरी देखने को मिल रहा है हम आशा करते हैं आप सभी छात्र जो है कि स्वस्थ होंगे अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तब तक के लिए जय हिंद जय भारत